सो गाइज नाउ वी आर एट दी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इन कन्याकुमारी। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। टुडेज ब्लॉग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज वी आर गोइंग टू वन ऑफ माय ड्रीम प्लेस, जो कि मैं बहुत दिन मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे जाने के लिए। सो दैट इज कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। टुडे वी आर गोइंग फ्रॉम बैंगलोर टू कन्याकुमारी एंड इट विल बी ए 5-day ट्रिप। सो आई एम प्लानिंग दैट आई विल अपलोड ब्लॉग इन ए सीरीज, लाइक देर विल बी 5 videos, 5-day ट्रिप। सो day 1, day 2 देर विल बी डिफरेंट वीडियोज फॉर दोस्। So please watch this series completely to view our experience of exploring the southernmost part of India। और हम लोग प्लान किए हैं पहले मदुरई जाएंगे, उसके बाद कन्याकुमारी, देन धनुषकोटी, रामेश्वरम एंड देन मे बी बैक टू मदुरई एंड बैक टू बैंगलोर। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस सीरीज कम्प्लीटली, विल गेट टू नो ए लॉट अबाउट ऑल दोज प्लेसेस, ऑल दोज सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो गाइज ऑन दिस ट्रिप वी आर गोइंग 2 people ऑन ए सिंगल बाइक, दैट इज आवर CBR 250R। सो फ्रॉम बैंगलोर टू कन्याकुमारी टिल and we have calculated it will be around 2000 km on a sports bike, so it may be little bit uncomfortable, little bit more tiredness because of the aggressive position, but let's see, I will take in between a lot of break to make ourselves comfortable and let's see how it goes। गाइज वी आर लिटिल लेट एज पर आवर प्लान टाइम टू स्टार्ट द राइड, क्योंकि माउंटिंग द लगेज टू द बाइक इज लिटिल बिट टफ एंड टाइम टेकिंग थिंग, सो इट टूक ए लॉट ऑफ टाइम फॉर अस एंड दैट्स ओके। वी आर टेकिंग द NH 44 एंड आई थिंक इट्स द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया विच कनेक्ट्स काश्मीर टू कन्याकुमारी। सो विल टेक दिस रूट टिल कन्याकुमारी आई थिंक, एंड रोड्स आर वेरी गुड एंड सिंस इट इज़ मानसून इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो वेदर इज वेरी क्लाउडी एंड आई लव क्लाउडी वेदर फॉर राइडिंग। गाइज आफ्टर राइडिंग अबाउट 2 hours कंटिन्यूअसली वी आर लिटिल बिट हंग्री नाउ, तो हम लोग अभी रोड साइड में कोई अगर अच्छा ब्रेकफास्ट पॉइंट मिल जाए उसके लिए थोड़ा सर्च कर रहे हैं। देखते हैं आगे अगर कोई अच्छा ब्रेकफास्ट पॉइंट मिलता है तो हम जल्दी से यहाँ पे रुक के फटाफट ब्रेकफास्ट फिनिश करके फिर निकल जाएंगे मदुरई की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर एट द KK ढाबा इन द कृष्णगिरी हाईवे एंड वी टूक आवर ब्रेकफास्ट ऑफ हियर एंड द व्यू कमिंग फ्रॉम हियर इज रियली ऑसम, यू कैन सी एंड द ब्रेकफास्ट ऑल्सो वी हार्ड हियर, आई विल से एवरेज ओनली, नॉट दैट गुड एज कम्पेयर टू द गुड ब्रेकफास्ट पॉइंट्स। सो आवर ब्रेकफास्ट इज डन, वी विल क्विकली हेड टुवर्ड्स दी आवर डेस्टिनेशन, क्योंकि अभी और भी 5 घंटे बाकी है हमारे जर्नी को। वी हैव मेड टारगेट दैट बाई 3 वी will reach at the Madurai our hotel, so let's see how it goes। गाइज आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी क्विकली स्टार्टेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, क्योंकि हमें आज अर्ली एज पॉसिबल मदुरई में पहुंचना था, सो दैट वी विल गेट सम टाइम टू एक्सप्लोर द लोकल अट्रैक्शंस। एंड वन मोर थिंग आई ऑब्जर्व ऑन द हाईवे दैट देर आर ए लॉट ऑफ
huge, huge trucks. They are carrying wings of the windmill. So that's like a very surprising thing for me. Like I have never seen before so big, big wings and so big, big trucks carrying a very huge, large wings of the windmills. So I think आगे हमको बहुत सारे windmills भी देखने को मिल सकते हैं towards कन्याकुमारी. देखते हैं अगर कोई अच्छा windmill हमको पास में देखने को मिला. So we'll stop there and have a look of that. Guys, the time now is 2:30 and after completing a long stretch at one go, we are a little bit hungry now for lunch. So we are searching for a roadside good restaurant for lunch and we found luckily one that was the KMH Veg restaurant and we quickly headed there and since it was little late for the lunch time, so there were some limited options available. So we ordered rice, dal and paneer from there. Taste wise food was really good and service was also really good. So guys, now after riding about 5 to 6 hours, हम लोग अभी lunch break लिए and it is just 100 km ahead of Madurai. एक बहुत ही अच्छा restaurant है, KMH restaurant नाम करके. Restaurant food is very good and service is also very good. और अभी हम लोग का lunch हो गया है. Quickly हम लोग जो भी available था lunch वो finish कर दिए. फटाफट अभी निकलते हैं मतलब मदुरई की तरफ. वहाँ पहुँच के देखेंगे अगर टाइम परमिट करता है तो कुछ चीज़ें वहाँ पे लोकली एक्सप्लोर करेंगे. सो सी यू ऑन रोड. Guys, after launch, we took some time rest there and quickly started towards our destination. The time is 3:30, which is late as per our planned time. क्योंकि बीच बीच में थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा था जिसके वजह से विजिबिलिटी एंड रोड ग्रिप भी कम हो गया था बिकॉज ऑफ स्लिपरी रोड्स. सो वी आर मेंटेनिंग लो क्रूजिंग स्पीड फॉर बेटर सेफ्टी. Guys, now we are at a area just 70 km before Madurai and I think the place name is Dindigul maybe. And as you can see, there are some beautiful hills which look so awesome after rain and it was completely filled with mist and cloud all around. It was looking so beautiful that we stopped our bike just beside the road and took some photos here. It was really scenic to experience this view from this place. Guys, now the time is 5:20 PM and from this highway we need to take left to enter the Madurai city where our hotel is situated. As per Google map, it may take 15 minutes to reach out our hotel. So let's see how it goes. Guys, the time now is 6 PM and finally we reached at our destination, that is our hotel in Madurai. And from outside the hotel is looking good after riding about a long distance. So finally we safely reached at our destination. And since the time is now a little late, like it's becoming 6 PM now. And I think most of the tourist attraction places which is nearby, they might be closing soon. So there is no point of going now. So I think we should explore those places tomorrow early morning.
Guys, after quickly freshen up, now we have came out for a walk in the street of Madurai. And as per locals, जो भी nearby tourist attractive places हैं वो सब अभी बंद हो चुके होंगे. So better we will explore them tomorrow early morning. And since we are little tired, so we had dinner quickly and we went for sleep. So guys, that's all for this day one of the trip. I'm sorry that we were little bit late due to rain and we could not explore any tourist places in Madurai. But not to worry, tomorrow and again next day we are going to explore this beautiful Meenakshi temple and Tirumalai mall also as early as possible. And after that we may plan to Kanyakumari from Madurai. Stay tuned for that video. I will try to upload that video as early as possible, so stay tuned for that. So that's all for this video. If you like this video, please press the like button. If you have any query or any feedback, then please drop a comment. I would love to reply you back. And at last but not the least, please subscribe to my channel for more such content. See you soon. Bye bye.